नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ लौकी की सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आपके घर में कोई लौकी नहीं खाते हैं तो वो भी ये चाव से खाएंगे। तो रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने आधा किलो लौकी को पील करने के बाद ऐसे टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पे लिया है एक मीडियम साइज के प्याज और एक मीडियम साइज के टमाटर चॉप करके, और बाकी मसाले मैं बनाते टाइम बता दूंगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ले लेंगे कुकर, इसमें हम डालेंगे ऑयल, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं। तेल को हम अच्छे से पहले गरम कर लेंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गरम हो जाए, हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा और 1/2 चम्मच काली वाली सरसों। दोनों चीज़ों को हम पहले चटक जाने देंगे, अच्छे से भून लेंगे। साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और डालेंगे 2 पिंच हींग। सभी चीज़ें जब हमारा अच्छे से भून जाए, हम यहाँ पे प्याज डाल के अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। प्याज जब हमारा अच्छे से भून जाए, हम यहाँ पे कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हम 2 मिनट हाई फ्लेम में सॉफ्ट हो जाने तक भूनेंगे प्याज के साथ। एक मिनट बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, अच्छे से 1 मिनट भूनेंगे। अदरक लहसुन जब हमारा अच्छे से भून जाए, हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/3 चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच या तीखा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मैं 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। ड्राई मसाले डालने के बाद हमें इसे कुछ देर भून लेना है। जैसे ही हमारा सभी ड्राई मसाले अच्छे से भून जाए, हम यहाँ पे लौकी ऐड कर देंगे। लौकी ऐड करने के बाद हम हाई फ्लेम में 2 मिनट मसाले के साथ इसे भूनेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के 2 सीटी आने तक लौकी को पकाएंगे। मसाले के साथ हमने 2 मिनट लौकी को अच्छे से भून लिया है। अब हम यहाँ पे पानी डालेंगे। हम यहाँ पे 1 कप पानी ऐड करेंगे। आधा किलो हमारा लौकी था यहाँ पे, और लौकी में एक्स्ट्रा पानी निकलते हैं तो हम यहाँ पे ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी कितना है, बिल्कुल नीचे तक लौकी के
बस रेगुलर में जो हम चाय पीते हैं उसी कप से एक कप पानी लिया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके दो सीटी आने तक लौकी को कुकर में पकाएंगे। दो सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। दो सीटी आने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दिया था। 5 मिनट हो गए, अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। लौकी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। एक बार हम फिर से गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और ये सब्जी थोड़ा सा रसे वाला ही अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पे 2 मिनट हाई फ्लेम में हल्का सा ड्राई कर लूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई चाहिए तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे 2-3 मिनट और पका लीजिएगा। डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाले ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। ये सब्जी वैसे ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। थोड़ा सा इस तरीके से मिला लेंगे अच्छे से। बस हाई फ्लेम में 2 मिनट। दो मिनट बाद गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और आप देख सकते हैं इसमें ग्रेवी कितना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, सब्जी को हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे लौकी की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। आप इसे रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के साथ भी खाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।